मशरूम के बारे में जानेंगे। मशरूम आपके स्क्रीन में आपके सामने ही, अचानक से उसका वैल्यू भी बढ़ गया है, अचानक से उसके खाने वाले चाहने वाले भी बढ़ गए हैं। US FDA फिर से, अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करनी है और फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करनी है तो तीन चार चीज़ रुक जानी है। सबसे पहला आपको जानना जरूरी है US FDA के बारे में, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड नंबर है चाइना के बारे में, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है SFDA के बारे में जानना ज़रूरी, उसके डिफरेंट लाइसेंस जो चाइना के बेस है। यूरोप के बारे में जानना है तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA के बारे में जानना है। UK में जानना है तो फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसीज, और आपको जापान के लिए जानना है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर, उसके बारे में जानना है। अगर मैं सीधा सेक्टर एग्रीकल्चर पे आऊँ तो मशरूम का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिफरेंट टाइप्स के मशरूम्स इंडिया में मशहूर हैं, वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के मशरूम खाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जाएंगे। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट नेगलिजिबल है, कुछ खास बताने लायक भी नहीं है, मगर मशरूम का HS कोड आप जानिए, धीरे धीरे पता चलेगा, 071151 071151, उसको मशरूम का हमारा 22 लाख का मात्र एक्सपोर्ट है, नेगलिजिबल है। 19-20 में सिर्फ 1.79 करोड़, मिस 1.5-2 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा हुआ था। USA भूटान नेपाली फिगर कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारा 1 करोड़ ऊपर भी एक्सपोर्ट कुछ खास गया नहीं। वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इटली, जापान, फ्रांस, स्पेन, USA, जर्मनी, ब्राज़ील, कोरिया, बेल्जियम, ये वाला है। वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर कौन से हैं तो चाइना, स्पेन, इंडिया, इजिप्ट, मोरक्को, बेल्जियम, पोलैंड। इस उसका वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत कम है, इंडिया अगर टॉप में आता है और कुछ नहीं, वर्ल्ड ट्रेड भी कम है। अगर कोई किसान जो ज़्यादातर कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड लगता है, उसके पास कुछ ज़्यादा वो वाला है, कुछ अपने जैसे इटली में, कनाडा में, उसके पास कोई डेवलप मार्केट बना पड़ा है और कहीं जगह, क्योंकि अपने पास NRI नाम की बहुत बड़ी कैपिटल है, अगर वो सोच के समझ के यहाँ कुछ स्पेशल मशरूम पैदा करता है, उसके वो देश के लायक का मशरूम पैदा करता है, वो कल्चर के लायक का मशरूम पैदा करता है, प्लस उसके फूड स्टैंडर्ड्स में अगर एग्रीड हो जाता है, तो काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। मशरूम के लिए मुझे आज इतना ही बताना था।